नमस्कार दोस्तों, राज एग्रो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं तरबूज के बेड के बारे में। बेड राइजर से बेड की क्या दूरी होती है, बेड के बीच बीच में कितना गैप होना चाहिए, बेड के बीच की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए और चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, इन सभी बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे। तो इससे पहले आपको मैं बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आने वाले समय में आपको नई नई वीडियो देखने को मिलेंगी, जिससे आप लोगों को अगर उपयोगी लगे तो आप उसका भरपूर उपयोग कीजिए, फ़ायदा उठाइए। चलो हम बात करते हैं बेड के बारे में। देखो, जो ये आपको बेड दिख रहा है, जो ये ट्रैक्टर के द्वारा बेड बनाया जा रहा है, ये तरबूज की खेती के लिए बनाया जा रहा है और इसमें ये बेसल डोज डाली जा रही है, जो ये कट्टे में भर रखा है, जो बेसल डोज है जिसमें DAP, यूरिया, पोटास, फ्यूरी, रिजेंट, ये सभी मिक्स करके इसमें डाला जा रहा है। तो देखो दोस्तों, जो बेड ये तरबूज के बेड बना रहे हैं, तो तरबूज के बेड में अगर बेड से बेड के बीच की जो बात करते हैं, तो तरबूज में बेड से बेड के बीच में कम 4 फुट का गैप होना चाहिए और अधिकतम 8 से 10 फुट का गैप होना चाहिए। ये गैप इसलिए होता है कि जब भी हम तरबूज की हार्वेस्टिंग करेंगे तो जो तरबूज की जो लताएं होती हैं, जो बेल होती हैं, वो ख़राब नहीं हो, क्योंकि तरबूज की हार्वेस्टिंग करते समय अपन उसमें घूमेंगे फिरेंगे तोड़ेंगे तो पैरों से वो ख़राब नहीं होगी, इसलिए ये दूरी होती है। उसके बाद में बात करते हैं तरबूज के बेड में जो ये चौड़ाई होती है, जो बेड की कितनी होनी चाहिए, तो ये कम से कम 2 फुट और ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 फुट, क्योंकि जो अगर मल्चिंग लगाते हैं ना, तो वो मल्चिंग कम से कम 2 से 2.5 फुट के बीच में चौड़ाई होनी चाहिए, जिसपे आसानी से वो मल्चिंग अपन बिछा सकते हैं, जिससे मल्चिंग एकदम सही बिछेगी और अपना बेड में तरबूज का सीड सेविंग भी अपन अच्छे से कर देंगे। ये तो रही बात अपन बेड की, ठीक है। अब बेड में कितनी लंबाई होनी चाहिए बेड की, देखो वैसे देखा जाए तो बेड की कम से कम 70 मीटर तक पानी पहुंच सकता है। अगर 70 मीटर से ज़्यादा बेड की वो करते हैं तो आप ड्रिप से पानी पहुंचना नामुमकिन है, इसलिए आप इससे कम ही रखें। और देखो, ये जो बेड बनाए जा रहे हैं वो बहुत ही शानदार बेड बनाए जा रहे हैं और इसकी ऊंचाई भी कम से कम 1 फीट है और ये तरबूज के लिए कम से कम 5 दिन पहले बेड बनाकर अपन छोड़ देते हैं, तो इसकी जो माटी है, ये मिट्टी है, वो अच्छे से एक थोड़ा भुरभुरी हो जाती है, जिससे आप सभी के लिए अच्छा साबित